सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं सिल्वर एंड ब्लैक मूवी के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप सबको पता है कि सोनी ने स्पाइडरमैन के स्पिन ऑफ शुरू कर दिए हैं, जिसमें एक फिल्म सिल्वर एंड ब्लैक भी आती है। तो अब इस मूवी को लेकर अपडेट ये आया है कि सोनी ने इस फिल्म को होल्ड पे डाल दिया है। तो फिर ऐसा भी हो सकता है कि सोनी इस फिल्म को कैंसिल भी कर दे। क्यों? उसका रीजन आप सबको पता है, और वो रीजन है वेनम का टीजर। जी हाँ, वेनम के टीजर ने काफी बुरा रिस्पॉन्स दिखाया है। मैं व्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ लोगों के बोलने की। लोगों ने इसे काफी ज्यादा हेट दिया है क्योंकि ये एक वेनम की सोलो मूवी है, लेकिन इसके टीजर में फैंस को वेनम नजर नहीं आया और लोग उसी को देखने के लिए बैठे थे। तो जब सोनी को ये बात पता है कि इस फिल्म को रिलीज होने के लिए काफी ज्यादा टाइम बचा है, तो उसे इसका टीजर नहीं रिलीज करना चाहिए था। हालांकि हमें पता है कि जब इसका ट्रेलर आएगा तो हमें उस ट्रेलर में वेनम की एक झलक जरूर नजर आएगी। तो मेरे हिसाब से सोनी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। बस तो यही रीजन है सिल्वर एंड ब्लैक मूवी को होल्ड पर डालने का। तो हो सकता है सोनी पहले वेनम मूवी का रिस्पॉन्स देख ले, उसके बाद वो सिल्वर एंड ब्लैक मूवी पर काम शुरू कर देगा, क्योंकि ये सभी कैरेक्टर्स स्पाइडरमैन से बिलोंग करते हैं, और जब इन फिल्मों में स्पाइडरमैन नहीं होगा तो फैंस तो काफी ज्यादा चिढ़ जाएंगे। तो अब आपको ये पता चल गया होगा कि सिल्वर एंड ब्लैक मूवी को होल्ड पर क्यों डाला गया है। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।